एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे मछली पालन का। हरियाणा की बात आती है तो हमारा लैंड लॉक्ड एरिया है और ऐसा लगता है कि हरियाणा में कहीं मछली पालन संभव ही नहीं है। और आज से 6-7 साल पहले ये विभाग बिल्कुल छोटा सा विभाग था, इसका बजट सिर्फ 6 करोड़ रुपए का होता था। अब इसका बजट जो है इस साल 124 करोड़ है, 6 करोड़ से 124 हो गया। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस बजट से बाहर भी हम एक्स्ट्रा लेकर के 200 करोड़ रुपए इसमें खर्चे और आने वाले वक्त में 3-4 साल तक हर साल इस बजट को दोगुना करें। उसकी वजह ये है कि जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो परंपरागत फसलें करते हैं गेहूं और धान की, उससे अलग काम हमें कुछ करना पड़ेगा। फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी करें, प्रोसेसिंग की ध्यान दें, डेयरी करें, मछली पालन करें, पिगरी करें, ये नई नई चीज़ों से आमदनी बढ़ा सकते हैं। अकेली खेती से, क्योंकि आबादी बढ़ती है जोत छोटी होती है। आज एक किसान 5 एकड़ का है, कल को उसके 2 बेटे हो गए 2.5-2.5 एकड़ का हो गया, तो प्रति किसान प्रति फैमिली की आमदनी तो घट जाएगी। उसको कोई परंपरागत खेती से अलग कुछ करने की ज़रूरत है। तो सारा हमारा ध्यान इस तरफ है कि किसान नई चीज़ों की तरफ, बागवानी की तरफ जाएं, दूध की तरफ जाएं, प्रोसेसिंग की तरफ जाएं, फिशरी की तरफ जाएं। और हरियाणा के अंदर खेतीबाड़ी की ज़मीन लगभग 80 लाख एकड़ है। हमारी उसमें से 9-10 लाख एकड़ ज़मीन जो है जल भराव की है। इस वक्त जैसे लेट बारिश हुई, बहुत सारी ज़मीन में फसल बो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नवंबर में गेहूं बोना पड़ता है, अक्टूबर में सितंबर में सरसों बो देते हैं। अब पानी भराव है तो सूखेगी नहीं, किसान देखता रह जाएगा। ऐसी ज़मीन में किस तरह से हम फिशरी का उत्पादन करें। हमारे यहाँ 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ऐसी है जिसमें खारा पानी है नीचे का, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उसमें एक फसल बारिश पर डिपेंडेंट, कोई बाजरा या मूंग की या कोई ऐसी फसल जो बारिश से, वो एक किसान ले पाता है। अब सौभाग्य से खारे पानी के अंदर जो झींगा मछली है उसके हमारे यहाँ इसी साल में 250-300 के आसपास नए फार्म लगे हैं। सरसा जिला है, हिसार, फतेहाबाद है, भिवानी है, झज्जर है। और हमारा सौभाग्य है कि वो फार्म जो समुंदर के पास हैदराबाद में होता था झींगा, वो हमारे यहाँ उससे बेटर हो गया है। हमारे साइंटिस्ट को मैं बधाई देता हूँ, हमारे अधिकारियों को, कि उन्होंने मेहनत की और फार्म को हमने ट्रेनिंग दी, पानी की टेस्टिंग की, सब्सिडी दी। और 2.5 एकड़ के फार्मर ने 5 से लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा 11 मीट्रिक टन झींगा का उत्पादन किया है। और 350 से लेकर के 500 रुपये तक बिकती है किलो की। आप ये देखें कि 5 मीट्रिक टन हो जाए, 5,000 और 500 रुपये बिक जाए, तो 25 लाख रुपये की उत्पादन मछली का हो जाता है 2.5 एकड़ में। उसमें से खर्चा आधे से ज़्यादा नहीं है। 8 लाख 10 लाख की बचत भी अगर हो जाए तो प्रति एकड़ बचत आती है 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़। मछली पालन में हमारी जो केंद्र सरकार की भिन्न भिन्न स्कीम हैं, हम महिलाओं को सब्सिडी देते हैं,
60%, हम एससी को सब्सिडी देते हैं 60%, जनरल कैटेगरी में कोई मछली पालन करता है 40% उसको सब्सिडी देते हैं, और ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार का स्टेट दोनों मिलकर के सब्सिडी देते हैं। और आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से हरियाणा के बेरोजगार बच्चों से, गांव में रहने वाले भाइयों से अपील करता हूं कि एंटरप्रेन्योर बनो, कारोबारी बनो, और रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बनो। हमारा विभाग आपके साथ है, किसी भी तरह की किसी भी फार्मर को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को कोई भी समस्या आए वो सीधा मेरे को मिले, उसकी सब्सिडी लेने में, उसको कामयाब होने में, उसके माप बीज खरीदने में हम सहायता करेंगे, उसको फार्मिंग की प्रैक्टिस हम करवाएंगे, उसको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे, उसका माल हम बिकवाएंगे। और किसी को घाटा होगा तो सरकार के अधिकारी को जिम्मेवारी फिक्स करेंगे। हम जिले के अधिकारियों को बोल दिया गया है कि एक भी फार्मर फेल होता है तो फार्मर फेल नहीं होता, आप फेल होते। इस तरह की आज मीटिंग की है, बाकायदा जिला वाइज टारगेट दिए गए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा के अंदर हम आगे जो है एक फिशरी की मार्केट भी अलग बनाएंगे गुड़गांव के अंदर, और एक जो ऑर्नामेंटल का, क्योंकि बच्चे जो आते हैं अपने घरों में वो शीशों में देखते रहते हैं, और हम एक एक सवा एकड़ में 29 हेक्टर में एक अलग ऑर्नामेंटल का बड़ा एक्वेरियम जो है वो बनाएंगे। और जो हमने हरियाणा के अंदर सीड पैदा करते हैं, हमारे सीड फार्म हैं स्टेट के, उनके टारगेट भी हमने बढ़ा दिए हैं पहले से। और हरियाणा को फिशरी में, स्टेट में जो इनलैंड फिशरीज है वो एक नंबर बनाएंगे, और इसको हम हर साल मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि इस बार 2500-3000 फार्म नए बढ़ते हैं, अगले साल 6000-7000, और उससे अगले साल 12000 हो, क्योंकि जो लाभकारी काम है उसमें हमें कुछ एक बार किसान को दिखाना है कि आप जिसमें जोखिम नहीं है। इस विभाग को जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसकी भी बहुत सारी स्कीम है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये विभाग खूब तेज गति से बढ़ेगा।